गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज योर टॉपिक मोर अबाउट नंबर्स, दैट इज योर सेकंड चैप्टर एंड दैट इज सिक्स एक्सरसाइज ऑफ योर सेकंड चैप्टर। बिफोर गोइंग टू डू योर एक्सरसाइज आई एम वांट टू डिस्कस विद यू व्हाट इज इवन ऑड नंबर एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? अ नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8 इज एन इवन नंबर। दैट मीन्स जो भी आपके पास कोई डिजिट या आपको जो कोई नंबर गिवन होता है उसका जो वंस प्लेस है या फिर उसकी जो एंडिंग है अगर वो इन फाइव नंबर से होती है, दैट मीन्स 0, 2, 4, 6, 8 से होती है, जो आपका नंबर होगा दैट विल बी इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव 12 और यहाँ पे अगर एंडिंग नंबर देखें या वंस प्लेस पे देखें दैट इज वी हैव 2, दैट मीन्स जो 12 है उसकी जो एंडिंग नंबर है दैट इज 2। इसका मतलब कि ये जो 12 है वो हमारा इवन नंबर है। 34, 4 में जो एंडिंग नंबर है दैट इज 4 और यहाँ पे जो 4 है अगर एंडिंग में 4 होगा तो हमारा क्या होगा? इवन नंबर होगा। सिमिलरली 76, 98, 50 इनका जो एंडिंग नंबर है दैट इज 6, 8 एंड 0, दैट इज 6, 8 एंड 0। तो ये जो नंबर है वो हमारे कौन से नंबर होंगे? इवन नंबर होंगे। अब जो ऑड नंबर होते हैं, अ नंबर एंडिंग विथ 1, 3, 5, 7, 9, दैट मीन्स जो भी आपको डिजिट जो नंबर आपको गिवन है अगर उसका जो वंस प्लेस है उस पर ये जो नंबर्स हैं वो गिवन है या फिर जो हमारी एंडिंग है वो इस नंबर से होती है तो जो हमारा नंबर होगा दैट विल बी ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल वी हैव 31, 31 में जो एंडिंग नंबर है दैट इज 1 और ये जो 1 है अगर उसकी एंडिंग 1 से हो रही है किसी डिजिट की तो हमारा कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर। अब 23 में जो हमारी एंडिंग है वो किससे हो रही है? 3 से। अगर 3 है किसी में तो वो क्या होगा? ऑड नंबर। 95 की किससे हो रही है? 5 से। 77 की 7 से एंड 49 की 9 से। दैट मीन्स दिस ऑल नंबर आर ऑड नंबर्स। देयर आर आल्सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, अगर हमारे पास कोई भी दो इवन नंबर है और अब अगर हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर होगा वो हमेशा हमारा इवन नंबर में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 22 है, 22 वी नो दैट 2 किस में आएगा? इसमें। एंडिंग किससे हो रही है? 2 से। दैट मीन्स ये हमारा कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। एंड 16 में जो एंडिंग हो रही है दैट इज 6 और 6 किस में आ रहा है? इवन नंबर में। दैट मीन्स 22 एंड 16 दीज बोथ नंबर्स आर इवन एंड अब अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है ऐड करने पर? 38 की आप एंडिंग देखोगे तो किससे हो रही है? 8 से और 8 यहाँ पे किस में आ रहा है? इवन नंबर में। मतलब अगर आप दो इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपको जो आंसर गेट होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। सिमिलरली द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, अगर हम जैसे इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ऐसे ही कोई दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तब भी जो हमारा आंसर गेट होगा दैट इज इवन नंबर, वो इवन नंबर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 में जो एंडिंग नंबर है दैट इज 3 और 3 किस में आता है? ऑड में। जो 13 है हमारा ऑड है, जो 57 है हमारा ऑड है। अब अगर 13 और 57 दोनों को ऐड करने पे हमें कितना आंसर गेट हो रहा है? दैट इज 70। 70 में जो 0 है, वी हैव 0 इन द एंडिंग प्लेस एंड 0 हमारी किस में आ रही है? इवन नंबर में। तो जो हमारा 70 है वो क्या है? एक इवन नंबर है। दैट मीन्स अगर हम दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो कौन सा गेट होगा? इवन नंबर। अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी हमारा आंसर इवन नंबर होगा। सिमिलरली अगर हम दो ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। बट अगर हम एक ऑड नंबर को और दूसरा एक इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं तब हमें क्या आंसर गेट होगा? दैट विल बी अ ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 22, 22 इज द इवन नंबर एंड 31 है दैट इज अ ऑड नंबर। 22 और 31 को ऐड करने पर जो हमें आंसर गेट होता है दैट इज़ 53 एंड 53 के जो एंडिंग प्लेस है यहाँ पे क्या है? 3 है और 3 हमारा किस में आता है? ऑड नंबर में। दैट मीन्स एक इवन और एक ऑड नंबर को ऐड करने पे हमारे पास जो आंसर होगा वो एक ऑड नंबर गेट कर सकते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिक्स एक्सरसाइज। In this question, we have to find out even or odd number.
There are some questions given. Write even and odd. Write even or odd. Now your first question is 64. अब हमने अभी कुछ कंसेप्ट्स किए थे, उसमें क्या था कि हमें एंडिंग नंबर को देखना है. यहाँ पे एंडिंग नंबर कितना है? 4. और 2, 0, 2, 4, 6, 8 किस में आता है? हमारा इवन नंबर में. दैट इज, दिस इज अवर इवन नंबर. और योर बी क्वेश्चन इज 4, 57. अब इसका जो एंडिंग नंबर है वो कितना है? 7. और 7 किस में आता है हमारे पास? ऑड नंबर में. दैट इज अवर बी क्वेश्चन इज अ ऑड नंबर. सी क्वेश्चन इज 3009. अब इसका जो एंडिंग नंबर है उसका एंडिंग नंबर कितना है? हमारे पास एंडिंग नंबर है इसका 9. और 9 नंबर क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है. योर डी क्वेश्चन इज 153. अब इसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है? दैट इज 3. एंड 3 किस में इंक्लूड होता है? ऑड नंबर. एंड योर ई क्वेश्चन इज 1, 2, 3, 4. अब इसका जो एंडिंग वाला नंबर है वो क्या है? दैट इज 4. और 4 किस में आता है? हमारा इवन नंबर. द एफ क्वेश्चन इज, हमारे पास एफ क्वेश्चन है 4532. अब इसका जो लास्ट नंबर है, इसका लास्ट नंबर है 2. और जो हमारा 2 है वो किस में आता है? इवन नंबर में आता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, एफ इज 4532. लास्ट नंबर इज 2, दैट इज अवर इवन. जी क्वेश्चन इज 600 का जो लास्ट है वो कितना है हमारे पास? 0. और 0 किस में आता है? इवन में आता है. योर एच क्वेश्चन इज 3332. हमारा जो लास्ट नंबर है वो कितना है? 2. और 2 किस में आता है हमारे पास? इवन में आता है. 865. अब 865 में हमारे पास लास्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5. और 5 किस में आता है हमारे पास? और नंबर्स में. ओके स्टूडेंट, योर क्वेश्चन जे के एंड एल, यू शुड ट्राई टू डू इट बाई यूर सेल्फ. दैट इज ऑल्सो सिमिलर ऑल क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज 6. योर सेकेंड क्वेश्चन इज राइट वेदर द सम इज इवन और ऑड विदाउट एक्चुअली एंड. कि हमें जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन्हें सिर्फ चेक करना है वेदर द सम इज इवन और ऑड, ऑड और इवन, विदाउट एडिटिंग. इट मीन्स टू से दैट कि हमें जो यहाँ पे सम दिए गए हैं, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 54 प्लस 96, हमें इन्हें ऐड नहीं करना. ऐड करके हमें ये नहीं फाइंड आउट करना, हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे लास्ट में 0 एंड दैट इज 0. हमें ये नहीं करना, हमें ये देखना है जो हमने लास्ट में 3 बेसिक कंसेप्ट किए थे कि जो 2 इवन नंबर का जो सम होता है दैट इज ऑल्सो इवन नंबर, दो ऑड नंबर का सम इज ऑल्सो इवन नंबर, और जो एक ऑड और एक इवन नंबर का सम होता है दैट इज ऑड नंबर. हमें ये ही फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमारे पास देखो जो 54 है वो क्या है? यहाँ पे 4 है. दैट मीन्स ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है. 96 में जो एंडिंग प्लेस पे क्या है? 6 है. दैट मीन्स ये भी कौन सा नंबर है हमारे पास? इवन नंबर है. और एक इवन नंबर का दूसरे इवन नंबर से हम जब सम करते हैं तो हमारे पास आंसर किस में आता है? इवन नंबर. हमें ये बताना है विदाउट रीडिंग दैट दीज नंबर्स आर इवन एंड ऑड. योर सेकेंड क्वेश्चन इज
142 + 364। मैंने सबसे पहले 142 को चेक करते हैं, दैट इज इवन और ऑड। यहाँ पे 142 में हमारे पास जो लास्ट प्लेस पे है दैट इज 2, तो हमारा ये कौन सा नंबर है? इवन। और अब हमें देखना है 364 में लास्ट प्लेस पे क्या है? 4, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। और दो इवन नंबर को ऐड करने पे जो हमारे पास आंसर हम गेट करते हैं दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर, दैट इज ऑल्सो एन इवन। योर थर्ड क्वेश्चन इज 83 + 40। वी हैव फर्स्ट डिजिट दैट इज 83। 83 में जो वंस प्लेस पे वो हमारे पास क्या है? 3, दैट इज ऑड नंबर। और 14 में जो लास्ट प्लेस पे क्या है? दैट इज इवन नंबर। और जब हम एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर में ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो किस में हमें गेट होता है? ऑड नंबर में। योर फोर्थ क्वेश्चन इज 81 + 96। 81 जो हमें इसका लास्ट प्लेस देखना है दैट इज 1, और 1 हमारा किस में आता है? ऑड नंबर में। और यहाँ पे क्या इतना है? 96। 96 का लास्ट नंबर क्या है? 6, और 6 किस में आता है हमारे पास? इवन में। और एक ऑड नंबर को सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन एक ऑड नंबर को एक इवन नंबर से ऐड करने पर वी गेट अ नेट ऑड नंबर। ठीक है, एंड योर ई क्वेश्चन इज 542 + 634। सबसे पहले दोनों नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट इज इवन और यहाँ पे 2 है, दैट इज एन इवन नंबर। और यहाँ पे 4 है लास्ट प्लेस पर, दैट इज एन ऑल्सो एन इवन नंबर। एंड आफ्टर एडिटिंग ऑफ 2 इवन नंबर वी गेट ऑल्सो एन इवन नंबर। दोनों इवन नंबर को ऐड करने पर हमें इवन नंबर ही गेट होता है। एंड योर एफ क्वेश्चन इज 43 + 65। फर्स्टली हमें आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन से नंबर है। 43 के लास्ट में क्या है? 3, एंड 43 दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3 है दैट इज एन ऑड नंबर। एंड 65 में लास्ट प्लेस में क्या है? 5, और 5 किस में आता है? ऑड नंबर। दैट इज दीज बोथ नंबर्स आर एन ऑड नंबर। तो हमें जो आंसर गेट होगा वो किस में गेट होगा? अगर दो ऑड नंबर्स होंगे और दो इवन नंबर्स होंगे तो हमें आंसर भी इवन नंबर में ही गेट होगा, दैट इज एन इवन नंबर। स्टूडेंट योर जी एंड एच क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो सिमिलर दीज ऑल क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ओके स्टूडेंट, इन योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 वी विल डिस्कस अबाउट स्किप काउंटिंग इन टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।